Hello, my name is Gopal and welcome back to my channel. Today we will talk about Mi Dual Drivers in Ear Earphones in depth review. Video में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसका मैं इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ इसी वीडियो में। इसको लिए हुए मुझे एक वीक हो गया और एक वीक से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं इस ईयरफोन का एक इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि जब ड्यूरेबिलिटी की बात होती है तो ईयरफोन्स के क्वालिटी की भी बात होती है। इस वाले वीडियो में, इस रिव्यू वाले वीडियो में हम इस Mi Dual Drivers in Ear Earphones का रिव्यू देंगे। एक इन डेप्थ रिव्यू होगा। जिन लोगों ने इस Mi Dual Drivers in Ear Earphones का अनबॉक्सिंग नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जा करके उस आप अनबॉक्सिंग वाले वीडियो को देखें, फिर आप रिव्यू वाले वीडियो पर जंप करना। तो जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि आपको इसमें दो सेक्शंस मिलते हैं। पहले सेक्शंस में आपको ये ईयरफोन्स मिलता है, ये Mi Dual Drivers ईयरफोन्स है, और दूसरे सेक्शंस में आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं और कुछ यूज़र मैनुअल्स जिसको कोई नहीं पढ़ता। आइए बात करते हैं ईयरफोन्स के क्वालिटी की। तो ये है हमारा ईयरफोन्स, ये Mi Dual Drivers ईयरफोन्स है। ये मैग्नेटिक बॉन्डिंग के साथ आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका मैग्नेटिक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है। ब्रेडेड केबल होने के चलते ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग वायर तक ब्रेडेड का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद यहाँ से उन लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपको Mi का ब्रांडिंग मिल जाता है, बाकी वायर्स में ब्रेडेड केबल का इस्तेमाल किया है। ये एल शेप्ड केबल है, इससे वायर्स की ब्रेक होने का चांस काफ़ी कम रहता है। अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो साउंड क्वालिटी यार उतना अच्छा नहीं लगा। ड्यूल ड्राइवर्स होने के बावजूद इसके जो वोकल्स थे वो उतने अच्छे और उतने क्रिस्प और उतने क्लियर नहीं थे। ड्यूल ड्राइवर्स होने के बावजूद इसके साउंड का आउटपुट उतना बढ़िया नहीं था। लेकिन जब मैं प्राइस का बात करता हूँ तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा। प्राइस को कंसिडर करते हुए इस वाले ईयरफोन को उतना भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि 699 में आपको जो फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ Xiaomi ही ऐसा कर सकता है। अगर फीचर्स की बात करें तो ये मैग्नेटिक बॉन्डिंग के साथ आता है, ब्रेडेड केबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और एल शेप्ड कनेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम कंपनी है जो ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर कानों में फिटिंग की बात करें तो ये ईजिली फिट हो जाता है और आप लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हो, ये कानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। तो यही था Mi Dual Drivers in Ear Earphones का इन डेप्थ रिव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you end up watching this video, please do subscribe. Thank you for watching this video.